नमस्कार किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार इन किसान भाई ने कपास की फसल में कीट नियंत्रण कर कैसे कमाया अच्छा मुनाफा। नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कॉटन यानी नरमा कपास की खेती में लगने वाले रोग व कीट नियंत्रण के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि नरमा कपास जब 40 से 55 दिनों की अवस्था में होता है, इस दौरान सबसे ज्यादा रोग व कीट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपना यही टॉपिक रहेगा, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। किसान भाइयों, कपास उगने के बाद अक्सर देखा जाता है कि नरमा कपास की जो कोमल पत्तियां हैं उनके ऊपर तेला कीट नजर आता है, जो कि पत्ते के निचली सतह के ऊपर बैठकर इसका रस चूसता रहता है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है और कुछ समय बाद वही पत्तियां झड़ जाती है। तो आइए इसके नियंत्रण के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, इस रोग से बचाव के लिए आप इमिडा क्लोरोपीड 17.8% SL या फिर मोनोक्रोटोफॉस 36% 150 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, नरमा कपास में देखने को मिलता है चेपा, इससे नियंत्रण के लिए आप 0.03% डाइमिथोएट 350 ml दवा लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप छिड़काव करते हैं तो आप इस रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, कॉटन किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी, जिसका अटैक अगर आपके खेत में हो गया तो यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है। इस खतरनाक कीट को नियंत्रण में करने के लिए आप इंडोस्कार्प या फेनवल रेट या फिर क्लोरोपाइरीफॉस, इन तीनों में से कोई भी एक दवा का चुनाव कर सकते हैं। डोज आपको काम में लेनी है 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे आप इस हानिकारक कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उपचार कॉटन के अंदर आने वाले रोग व कीटों से आपको बचाने में मदद करेंगे, जिससे आपकी उपज भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, कॉटन की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें, इससे आपकी कॉटन की पैदावार बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, उपज की वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं और अपने अधिकतम पैदावार के सपने को साकार करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और खेती किसानी की ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे उपज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।